इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास एक सीलिंग फैन है जिसमें हमने कोई इसको स्टेटर वगैरह सब कुछ फिटिंग कर लिया है। बात यहाँ पर अटक जाती है, जो लोग नए हैं कि उसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। चार वायर इसमें निकले हुए रहते हैं, देखिए दो ब्लैक हो सकते हैं, दो येलो हो सकते हैं, दो रेड हो सकते हैं, दो रेड ही होते हैं। और तो चलिए रेड हो ब्लैक हो कोई भी हो, चलिए इसका कनेक्शन करना हम आपको बताएंगे। ज़्यादातर फैन में हमारे रेड और ब्लैक कलर से तार निकले हुए रहते हैं, तो आपको मल्टीमीटर ले लेना होगा। सबसे पहले मल्टीमीटर नहीं होगा तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको जो चेकिंग करने का तरीकाकार होगा मैं बता देता हूँ। मल्टीमीटर ले लेना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यू ट्रेस पर सेलेक्ट कर लेना है, मल्टीमीटर को टेस्टिंग करना होगा। पहले यहाँ पर मैं इसको मल्टीमीटर को यहाँ पर 0-0 आना चाहिए, यहाँ पर हमारा पूरा 0-0 आ जा रहा है, ठीक है। इस जगह पर हम क्या करेंगे, जो हमारा इस मोटर है मतलब ये सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में हमारा यहाँ पर मैं इसको रख दूंगा। पहले हम जो स्टार्टिंग कॉइल होती है उसके ओम चेक करेंगे। स्टार्टिंग कॉइल पर हमको लो मतलब जो वैल्यू थोड़ा सा कम मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 224 ओम की रीडिंग आ रही है जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल की है। अब जो रनिंग कॉइल होगी, जो मतलब लास्ट में, स्टार्टिंग मतलब पहले और रनिंग मतलब लास्ट में जो हमारी कॉइल होगी बाहर वाली, उसमें हमारी हाई वैल्यू मिलेगी। जो हमारी हाई वैल्यू रीडिंग मिलेगी इसका अर्थात हमारी वो रनिंग की कॉइल है, और जिसमें हमारी लो वैल्यू की रीडिंग मिल जाती है वो हमारी क्या होती है, अंदर वाली कॉइल होती है, स्टार्टिंग कॉइल होती है, ठीक है। अब इस जगह पर कनेक्शन करने का तरीकाकार क्या होगा मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। अब आपने ये पहचान लिया कि येलो कलर के जो दो वायर हैं वो स्टार्टिंग के हैं, और जो हमारे रेड कलर से वायर इसमें निकली हुई है ये हमारे स्टार्टिंग और रनिंग, ये हमारे रनिंग के हैं। अगर आप इसमें गलती से, चलिए मैं आपको वो सब कुछ दिखा देता हूँ। तो इसमें कैपेसिटर को ऐड कर लेंगे, कैपेसिटर को यहाँ पर फिटिंग कर लेता हूँ मैं आपको। अगर आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को प्लीज़ फॉलो करके रखें। अगर आप लोग इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर हमने कैपेसिटर को भी ऐड कर दिया है। इस जगह पर मैं सॉकेट पर कनेक्शन अभी नहीं करूँगा, फिलहाल आपके दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो जो उसमें देखिए दो एक कलर के वायर है, दो एक कलर के वायर, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट कंडीशन आपको एक येलो कलर का वायर ले लेना होगा, एक रेड कलर का वायर ले लेना होगा, कोई भी वायर ले लेना होगा जो इसमें लगा हुआ है। दोनों को आपस में मिलाकर इनको क्या बना देना होगा, कॉमन। अब मैं बताता हूँ कि इसमें हमारे तीन वायर बचे, ये हमारा एक अकेला हो गया और ये हमारे दो वायर हो गए, ये येलो और हमारा रेड। तो इस दोनों वायर में क्या होगा, आपको कैपेसिटर को ऐड कर देना होगा। कैपेसिटर को हम दोनों वायर को लगा देंगे, इसमें उल्टा सीधा का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो इस जगह पर मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ दोनों, जो येलो और रेड वाली वायर बच रही थी दो, इस जगह पर हमने यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर हमने लगा दिया है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर को भी ऐड कर दिया है। इस जगह पर हमारा मोबाइल स्टैंड पर लगा हुआ, इसलिए आपको क्लियर दिख पा रहा नहीं, वो तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर ये हमारा एक वायर अकेला और दोनों रेड और जो ब्लैक वाले वायर है, इस पर हमने कैपेसिटर को ऐड कर दिया है। इस जगह पर हमको क्या करना होगा, मैं आपको फर्स्ट कंडीशन बता देता हूँ। मैं आपको फेज लाइन से इसको पावर देकर भी आपको दिखा देता हूँ, अभी आप खुद ही देख पाएंगे सब कुछ लाइव। तो चलिए एक जो हमारे देखिए दो सप्लाई के वायर हैं और ये हम फेज लाइन से इसको पावर दे रहे हैं, फर्स्ट ही यहाँ पर एक अटैच करें और इस वाले पॉइंट पर रेड वाले पर लगाना होगा। तो अभी हमारे ये इस साइड घूम रहा है इसका अर्थात हमारा क्या है, फैन सीधा चलेगा। अगर बाई चांस अगर हमारा फैन जो है फैन अगर उल्टा चलता है, तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना होगा, जो रेड वाला वायर है, रेड वाले वायर से पलटी कर देना होगा। तो इस रेड वाले वायर को मैं इस येलो वाले वायर से कनेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पर हमारा अभी एक बन चुका है, जो रेड वाला वायर ये बच रहा है, तो ये हम इस पर लगा देंगे। मतलब रेड वाले वायर से ही आपको पलटी करना होगा, मेरे कहने का अर्थात आप समझने की कोशिश करें। जो हमारा देखें रनिंग और स्टार्टिंग और रनिंग में हमारा लोड पड़ना चाहिए। अगर आप किसी गलती की वजह से आप इस पीले वाले पर, आप जो मेन सप्लाई में दो वायर आ रहे हैं, एक वायर इस पर कनेक्ट कर दिए, एक वायर इस पर कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, अंदर वाली कॉइल लोड पड़ने की वजह से उसमें जल जाएगा। जलने का सबसे मुख्य कारण क्या हो सकता है, उसमें जो वैल्यू है आपने देखा कितना बड़ा डिफरेंस है, तो उसमें कॉइल करंट कम होने की वजह से उसमें वैल्यू भी कम दिखा रहा था। तो अभी मैं आपको फिर से उसको सप्लाई देकर दिखाऊंगा। यहाँ पर जो हम दोनों को कॉमन बनाए, इस पर टच करूँगा और इस वाले पर टच करूँगा। तो अभी जो हमारा देखिए अभी हमारा इस साइड जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो फैन इस साइड घूमेगा, सीधी दिशा में घूमेगा। तो मैं आपको टेस्ट भी करवाऊंगा। देखिए आप देखिए मैं यहाँ ये वाले पॉइंट पर लगा रहा हूँ और ये वाले पॉइंट पर लगा रहा हूँ, तो इस साइड घूम जा रहा, ये इस साइड उल्टा सीधा ऐसा घूम सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, रेड वाले वायर को पलटी कर देना होगा। मैं आपको यहाँ पर इस वायरों को कनेक्ट कर लूँगा और फैन को सीधा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों वायर को कनेक्ट कर लिए हैं, एक मिनट ये वायर सूख चुका है, तो भी मैं इसको जोड़ लेंगे और आपको फैन को पूरा ही ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इस जगह पर हमारा, चलिए मैं इसको कनेक्शन कर चुका हूँ, अभी मैं क्या करूँगा, फाइनली इसको एक बार ऑन करके आपको दिखा देंगे। इसको मैं फेज लाइन से ही पावर दूंगा। तो अभी हमें इसको फेज लाइन से पावर देना है। फर्स्ट ही हमारा जिस साइड घड़ी का काटा चलता है, उस साइड हमारा फैन चल रहा, इसका अर्थात हमारा सीधा चल रहा, ठीक है। अब इस जगह पर हमारा फैन जो इस साइड चल रहा था, इसका मतलब सीधा चल रहा। अब देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ उल्टा चलेगा तो किस प्रकार से चलेगा, लेकिन आपको देखिए अभी मैं जैसे, अब मान लीजिए इसमें जैसे हमने सप्लाई दिया था, अगर उल्टा चलता तो आप क्या करते, इस वाले पॉइंट पर सप्लाई दे देते, फैन तो सीधा चलने लगेगा, लेकिन अर्थात क्या होगा कि हमारा फैन चलेगा और कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन 20 दिन बाद हमारा फैन तुरंत ही जल जाएगा लोड पड़ने की वजह से। अभी ये फैन हमारा उल्टा चलेगा, तो काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती और काफ़ी सारे लोगों को कनेक्शन भी नहीं पता होता। अभी देखिए फैन, सॉरी, तो ये हमारा फैन गिर चुका था, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर वीडियो बनाता हूँ। तो इस साइड फैन चलेगा तो उल्टा, इस साइड फैन चलेगा तो सीधा, तो सीधा चलेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा वायर जो है छूट चुका है, तो क्या करेंगे, येलो और रेड को एक साथ मिला लेंगे, येलो वाला जो छूटा हुआ कैपेसिटर पर ऐड कर देंगे। कैपेसिटर पर ऐड कर दिया है मैंने,
यहाँ पर मैं ऐड कर चुका हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं सप्लाई देकर फाइनल दिखा देता हूँ। जो दो वायर को एक साथ मिला है इस पर एक सप्लाई का वायर कनेक्ट कर देना होगा और दूसरा बचा हुआ वायर इस रेड वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना होगा जो कि हमारा स्टार्ट रनिंग कॉइल पर लोड रहना चाहिए, रनिंग कॉइल पर सप्लाई जानी चाहिए। अगर स्टार्टिंग पर जाएगी तो क्या होगा कि हमारा जो फैन है जल जाएगा। मैं इसको फिर से एक बार सीरीज लाइन से पावर देकर दिखा देता हूँ। जब आपका फैन सीरीज में बराबर जल जाए मतलब जल जाए तो एक मिनट, हमारा फैन अभी भी लगता है उल्टा ही, हमारा फैन जो है गिर जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ये हमारा फैन जो है अभी भी उल्टा ही चल रहा था। क्या करेंगे, रेड वाला वायर लगता है पलटी हो चुका है। इस रेड वाले वायर को देखिए अब इस जगह पर मैं लगा देता हूँ। मेरा मोबाइल स्टैंड पर लगा हुआ है, मोबाइल भी गिर सकता है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें जिससे कि मैं और इस प्रकार के कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। तो इस जगह पर हमने यहाँ पर रेड वाले वायर को सिंपली पलटी किया, हमारा फैन जो उल्टा चल रहा था। अभी इस जगह पर हम सप्लाई देंगे, हमारा फैन 100% एकदम ओके और सीधा चलेगा। ओके तो चल ही रहा लेकिन सीधा चलेगा। तो इस प्रकार से कनेक्शन करना होता है। तो इस जगह पर फिर से एक बार सप्लाई देंगे, देखेंगे कि हमारा फैन सीधा चल पा रहा है या फिर नहीं चल पा रहा। तो इस लाइन से आपको फर्स्ट कंडीशन पावर सप्लाई से इसको जोड़ना होगा। इस जगह पर हमारा फैन जो है सीधा चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।